हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इजी इंग्लिश क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं जो यूपी बोर्ड 12th क्लास का प्रोज का फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है होम कमिंग। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की कुछ वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले उनको पढ़ लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि किसी भी चैप्टर की समरी को अच्छी तरीके से समझने के लिए उस चैप्टर की पूरी समरी अर्थात पूरी स्टोरी समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कोई भी स्टोरी समझने के लिए तक उसको शुरू से नहीं समझा जाएगा तब तक कि पूरी स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, किसी भी चैप्टर को समझना है, उसको पढ़ना है, स्टडी करना है, तो उसकी समरी शुरू से समझिए। तो आइए फ्रेंड्स, अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए लेसन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक अपलोड कर चुका हूँ मैं और अब यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। When they reached Kolkata, जब वे कलकत्ता पहुँचे, हटिक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब वे कलकत्ता पहुँचे तो फटिक और उनके मामा, जब वो दोनों मामा भांजे दोनों कलकत्ता जब पहुँच गए तो फटिक का परिचय उसकी मौसी से पहली बार करवाया गया। नहीं, फटिक मेड द एक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फटिक का परिचय फर्स्ट टाइम करवाया गया उसकी मामी से। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। शी वॉज बाई नो मीन्स, वो किसी भी तरह से प्रसन्न नहीं थी, खुश नहीं थी। प्लीज्ड ने खुश होना, वो किसी भी तरीके से खुश नहीं थी विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, यानी अनावश्यक जुड़ाव से, अपने परिवार में अनावश्यक जुड़ाव से वो किसी भी तरीके से खुश नहीं थी। अर्थात वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके कोई भी इंसान अब हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में कोई दूसरा जुड़े। क्योंकि शी फाउंड हर ओन थ्री बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स। शी फाउंड, उन्होंने पाया हर ऑन थ्री बॉयज, अपने तीन बच्चों को पर्याप्त का पाया, क्वाइट इनफ नहीं पर्याप्त पाया, टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, यानी किसी और को लिए बगैर वो अपने परिवार में तीन बच्चों को पर्याप्त पाया। उनका कहने का मकसद यह था कि बस हमारे परिवार में तीन बच्चे हमारे लिए पर्याप्त हैं, मैं किसी और को नहीं लेना चाहता हूँ। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लाइड ऑफ 14 इनटू देयर मिडस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लाइड, एक गांव का लड़का, 14 वर्ष की उम्र वाला लड़का, वो परेशानी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता, यानी टेरिबली अपसेटिंग, वो परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्विस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रेशन। ने विशंबर को इस अविवेकपूर्ण कार्य करने से कम दो बार सोच लेना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस दैन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, यानी मानव संबंधी संसार में इस 14 वर्ष की उम्र के लड़के से ज़्यादा और परेशान करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली क्या चीज़ हो सकती है, इससे बुरी चीज़ और क्या हो सकती है। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, वो ना तो सुंदर होता है अर्थात ना खूबसूरत होता है, नॉर यूजफुल, ना ही लाभदायक होता है अर्थात फ़ायदेमंद होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, या असंभव है, नामुमकिन है, टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय, यानी उसके ऊपर प्रेम बिखेरना एक छोटे बच्चे के तरीके से, जिस तरह से छोटे बच्चे के ऊपर प्रेम बिखेरा जाता है उस तरीके से उसके ऊपर प्रेम बिखेरना यह नामुमकिन है, असंभव है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, एंड और ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, वो हमेशा रास्ते में आया करता है अर्थात बाधा उत्पन्न करता रहता है। इफ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिस्प,
अगर वो बच्चों की तरीके से बात करता है ही इज कॉल्ड अ बेबी तो उसे बच्चा कहा जाता है एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे ही इज कॉल्ड इम्परटिनेंट यदि वो बड़ों की तरीके से जवाब दे देता है तो उसे बदतमीज कहा जाता है आवारा किस्म का कहा जाता है निकम्मा कहा जाता है इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड इन किसी भी तरीके से इन फैक्ट एनी टॉक यानी किसी भी तरह की बातचीत वो ना उसकी बात किसी भी तरह की उसकी बातचीत हो लेकिन फिर भी वो नाराजगी लाने वाली ही उसकी बातचीत होती है देन तब ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोविंग एज यदि तब वो एक अनाकर्षक बढ़ती हुई एज में होता है ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इंडिसेंट हेस्ट फिर ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स यानी उसके कपड़े बढ़ जाते हैं विद इंडिसेंट हेस्ट अभद्र रूप से तेजी से उन्हीं उसकी उम्र से भी ज्यादा उसके कपड़े बढ़ते हैं नहीं वो लड़का इतनी जल्दी नहीं बड़ा हो पाता है कि कपड़े उसके छोटे पड़ जाते हैं अर्थात वो अपने कपड़ों की अपेक्षा वो जल्दी बढ़ता है हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स उसकी आवाज अभद्र हो जाती है नहीं भद्दी किस्म की हो जाती है एंड ब्रेक्स और रुकती है एंड कवर्स और कांपती है हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली हिज फेस ग्रोज उसका चेहरा होता है वो अचानक कड़क हो जाता है एंड अनसाइटली और अभद्र हो जाता है अचानक कड़क और अभद्र हो जाता है इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इयरली चाइल्डहुड इट इज ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग यदि उसकी खामियां जो होती हैं उसकी गलतियां जो होती हैं उसकी कोताहियां जो होती हैं उसको क्षमा कर देना आसान होता है ईजी होता है ऑफ ईयरली चाइल्डहुड एक छोटे बच्चे के समान उसकी कोताहियों को क्षमा कर देना आसान होता है बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लेप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14 लेकिन 14 वर्ष के जो लड़के की जो गलतियां जो कोताहियां होती उनको क्षमा करना कठिन होता है देखिए उसकी मामी ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चे की गलतियों को माफ़ कर देना तो आसान होता है लेकिन 14 वर्ष के लड़के की गलतियों को उसकी कमियों को माफ़ करना आसान नहीं होता है क्योंकि उसकी मामी किसी भी तरह से वो खुश नहीं थे वो प्रसन्न नहीं थी उसके रहने से The lad himself becomes painfully self-conscious. देखिए द लैड लड़का स्वयं becomes हो जाता है painfully दर्दनाक self-conscious नहीं स्वयं में एक जागरूक हो जाता है लड़का स्वयं में एक जागरूक यानी दर्दनाक तरीके से जागरूक हो जाता है when जब he talks with elderly people जब वो लोगों से बातचीत करता जब वो बड़े यहाँ से है व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल जब वह बड़े लोगों से बातचीत करता है ही इज आइदर अनजोली फॉरवर्ड तो वो अनावश्यक रूप से अधिक आगे बढ़ जाता है नहीं ज्यादा आगे बढ़ जाता है और या एल्स सो अनजोली शाय या फिर वो अधिक शर्मीला हो जाता है नहीं शर्माने वाला हो जाता है दैट की ही अपियर्स अशम्ड ऑफ हिज वे एग्जिस्टेंस या फिर वो अपना अस्तित्व ही खो देता है यहां से देखते हैं फ्रेंड्स येट फिर भी इट इज एट दिस एज फिर भी इस उम्र में व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स अ यंग लैड मोस्ट क्रॉस फॉर रिकॉग्निशन एंड लव फिर भी इस उम्र में युवा लड़कों के अंदर यानी इस उम्र के जितने भी युवा लड़के होते हैं उनके अंदर एक ख्वाहिश होती है एक जज्बा होता है एक इच्छा होती है कि किस चीज़ का जज्बा यानी पहचान और प्रेम का यानी वो हर इस उम्र के हर लड़के ये चाहते हैं कि लोग उससे उसको पहचानें और उससे प्यार करें उससे प्रेम करें एंड ही बिकम्स और वो हो जाता है द डिवोटेड स्लेव
ऑफ एनी वन, वो किसी का भी समर्पित दास हो जाता है, हूँ जो शोज हिम कंसिडरेशन, जो उसके ऊपर विचार प्रदर्शित करता है, बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी उससे खुलकर प्रेम करने की और प्यार करने का साहस नहीं करता है, फॉर दैट क्योंकि वुड बी रिगार्डेड, ये माना जाता है या समझा जाता है एज अनड्यू यानी एक अनुचित कार्य है, इंड्यूलजेंस, एक जो उसका अनुचित कार्य है जो उससे लिपटा हुआ है, एंड देयर फॉर, और इसलिए बैड फॉर द बॉय, और एक बुरा लड़का बन जाता है, यानी आवारा किस्म का लड़का बन जाता है, सो इसलिए व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, और उसको लगातार डांटना या फटकारना, ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, वो एक आवारा कुत्ते के समान बन जाता है, यानी अगर उस इतनी उम्र के 14 वर्ष की उम्र के लड़के को अगर बहुत ज़्यादा अगर डांटा या फटकारा जाए तो वो एक आवारा कुत्ते के समान बन जाता है, दैट जो हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जो अपने मालिक को खो देता है, यानी ये उसकी मामी का कहना है कि अगर 14 वर्ष वाले लड़के के साथ अगर ज़्यादा अगर कोई बदतमीजी करेगा तो वो एक आवारा किस्म का हो जाएगा, अर्थात जिस तरीके से एक आवारा कुत्ता होता है और अपने मालिक को खो देता है, उस तरीके से वो आवारा हो जाएगा। For a boy of 14, his own home is the only paradise. For a boy of 14, his own home is the only paradise. यानी 14 वर्ष वाले उम्र के लड़के के लिए उसका घर ही मात्र उसके लिए स्वर्ग होता है। देखिए, इस कहने का मकसद है कि जो 14 वर्ष की उम्र में जो लड़का होता है उसका अपना घर ही उसके लिए एक स्वर्ग के समान होता है, जन्नत के समान होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी घर में रहना, विद स्ट्रेंज पीपुल, अजनबी लोगों के साथ रहना, इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, एक अत्याचार के समान है। वेल, जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस, अत्यधिक आनंद देना, मजा देना, इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ ओमेन, एक महिला की दयालुता भरी या हमदर्दी वाली नजर प्राप्त करना उसको आनंद देता है। एंड नेवर, और कभी नहीं, टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उसके द्वारा उसका कभी अनादर नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।